बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। नैब टीम कुछ देर में साबिक सदर को एहतसाब कोर्ट पेश करेगी। साबिक सदर को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पहुंचाया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूशन टीम मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। आराजी कब्जा केस में मंशा बम, दो बेटों की सात मुकदमात में बाद अज गिरफ्तारी जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन कोर्ट का मंशा बम, दो बेटों को रिहा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज अमजद अली शाह ने फैसला सुनाया। डेरा बुकटी के इलाके पीर कोख के होटल में दस्ती बम धमाका, नौ अफराद जख्मी, बच्चे भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज और लेवे जहलकारों ने इलाके को सील कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी, 100 इंडेक्स में 157 पॉइंट्स का इजाफा। करंट इंडेक्स 35,153 की सतह पर मौजूद। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, डॉलर 156.85 रुपए पर ट्रेड। इलेक्शन कमीशन ने कबायली इजला में इंतखाबात की सिक्योरिटी पाक फौज के सपोर्ट कर दी। 16 सूबाई असेंबली नशस्तों पर इंतखाब पाक फौज की निगरानी में होगा। जवान पोलिंग स्टेशन पर 18 ता 21 जुलाई तक तैनात रहेंगे। तहरीके इंसाफ की पंजाब का बजट मंजूर करवाने के लिए हिकमत अमली। अराकीन असेंबली के गिले शिकवे दूर करने के लिए वजीर आला सरगर्म। अराकीन असेंबली से रिकॉर्ड मुलाकातें, मसाइल हल करने के अहकाम जारी। पिशावर में फूड अथॉरिटी की कोहाट रोड और मिर्च मंडी में कार्रवाइयां। शवारमा ब्रेड फैक्ट्री और मसाला फैक्ट्री सील कर दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी रियाज खान का कहना है कि मिलावट करने वालों के लिए सूबे में कोई जगह नहीं है। वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जो या नाअहली। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लीकेज से कई लाख गैलन पानी जाया होने का इंकशाफ। पानी के तहफ्फुज कमी को पूरा करने के लिए निजाम और इंतजाम का फुकदान। और अमरीकी ड्रोन गिराए जाने के बाद अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के अहकाम जारी किए, मगर थोड़ी ही देर बाद वापस ले लिए गए। अमरीकी अखबार के मुताबिक तवील बहस मुबाहसे के बाद हुक्म वापस लिया गया। और अभी आपको कौमी असेंबली लिए चलेंगे, जहां पर ख्वाजा आसिफ का हल कर रहे हैं। क्या इल्जाम लग गया था, नहीं तो मैं बात तो मैं भी ना हूं। जनाब स्पीकर, इजिप्ट के पास तेल भी है, गैस भी है और स्वेज कैनाल है जिससे रेवेन्यू मिलता है उनको अरबों डॉलर। इन तमाम चीजों के बावजूद स्वाय दो तीन सेक्टर के इजिप्ट का जो इस वक्त हाल है, अल्लाह की पनाह, खुदा ना करे हम वहां पे पहुंचे जो इजिप्ट का इस वक्त था। IMF को नहीं, आप चिली ले लें, आप अर्जेंटीना ले लें, आप वेनेजुएला ले लें, हम कामयाबी से उनके चंगल से बाहर आ गए थे। मुझे बताइए स्पीकर साहब, मैं आप पे छोड़ता हूं, आप जो फैसला करेंगे मैं तस्लीम करूंगा कि 5 साल या 22 साल इमरान खान साहब की सियासत, जिन नारों पे, जिन असूलों पे, जिन वादों पे खड़ी थी, क्या आज वजारत उज़्मा में पिछले 8 साल में एक भी वादा, एक भी असूल और एक भी नारा जो है ऐसा बचा है जिसके ऊपर उन्होंने यू टर्न नहीं लिया? कोई ऐसा नारा बचा है? खुदकशी से लेके जिन लोगों को डाकू कहते थे, जिन लोगों को चोर कहते थे, जिन लोगों को चपरासी नहीं रखते थे, आज उनके दस्तों बाजू हैं। आज वो उन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं जहां पे किसी PTI के पुराने वर्कर को बैठा होना चाहिए था, जिसपे PTI का किसी के वफादार को बैठा होना चाहिए था, मुसाफरों को नहीं बैठा होना चाहिए था। यहां पे मुसाफर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में उनको कोई वजीर खजाना ना मिला,
उन्होंने एक अपने साथी को डंप करके